बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो कुछ इस तरह की, बारिश हो रही थी अभी हटी है, ये छत पे आके बैठी थी तो हवा वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल हबस बना हुआ है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो अभी जब मशीन लगाई हुई थी, कपड़े बच्चों ने नहा नहा कर सारे गिले किए हुए थे, तो अभी धोए हैं सारे, ये तार भर के, ये सारी तार भरी हुई क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उन्होंने मारना तो होता नहीं है। तो अभी नीचे चलती हूँ, अभी बच्चों की लिए जो भी काम काज करती हूँ घर का, वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ क्या काम करना है हमने, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश की वजह से तो बच्चों की नई नई डिमांडें होती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अभी नीचे चलती हूँ और जो भी करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे पास बारिश आ रही है, मैं खड़ी हूँ गेट में, तो मैंने ये सेम भी बहन भैयाओं के साथ शेयर कर लिया। माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, काफ़ी डर भी लगता है क्योंकि अम्मा के पापा घर ना हों तो फिर नहीं डर लगता, अगर वो ना होंगे तो फिर डर लगता है। तो इसलिए बारिश वगैरह हो रही है, मैं इधर गेट में खड़ी थी, बच्चे नहा रहे हैं, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो अभी भी हो रही है, तो बच्चे नहा रहे हैं, तो मुझे इधर डर लग रहा था, तो मैं इधर खड़ी हूँ गेट में, तो मैंने कहा जय सिंह भी शेयर कर लूँ। जय कबीर बेटा मेरा सो रहा था, अभी उठ के इधर बैठा, मैं इधर बैठी थी तो मेरे पास ही छत पे इधर आके बैठ गया, क्योंकि नीचे नेट बिल्कुल बारिश की वजह से नहीं जा रहा था, ऊपर छत पे आके वीडियो अपलोड कर रही थी, तो कबीर भी आके मेरे पास बैठ गया इधर। तो अभी इनको चाहिए पैसे, दुकान पे जाना है, तो मम्मा जी पैसे दो, मैं ऊपर ही थी तो वो भी इधर बैठ गया, मैंने कहा नीचे चलती हूँ तो फिर जाके देती हूँ। मम्मा जी आज हम एक कोई मज़ेदार एक और चीज़ बना के दो। क्या ना चाट के अंदर रह दी, अब तो वैसे भी काट दियो पे प्याज भी पड़ी कोल पे है। आलू काटती भी दे दे, ये मतलब तेरी भी मैं चना चाट बनाने लगी हूं। मारे हर गिस तुझे बना के देना पड़े, आज तो उन्हें बना के देना पड़े। क्यों वैसे तुझे बारिश में ज़्यादा नहीं चस्के लाने लग गए? क्या बड़े हम दे जान दे उन पेंट डाले यान दे भी पार निकल दे पे पार ते मिल गया नहीं आए हाँ नहीं ये पार निकल दे पे यान देखो मेरा बेटने शकंड भी बना ली है, पहले मम्मा दिन दा पहले तुझे पी लिया नहीं सी ते सुता उठे है ते हुन मम्मा जी पहले शकंड भी आल छुट्टियां भी थोड़ी रह गई बच्चा जी बेटा जी छुट्टियां भी थोड़ी रह गई ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਕਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਏ ਜਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਏ। 14 ਅਗਸਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ? 14 ਅਗਸਤ ਅਗਲਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਚੜਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। इस तरह बच्चों देख के ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। छोटा भाई उन्हें तुम पानी बना के देता तो तू उसी जी नींबू तो बैठे डॉय नचोड़े है ना नींबू तो नचोड़े है ना करे उन्हें बस खोरे है उन्हें बस खोरे हैं
वो छोटा है ना अजय। तो मैं कहला किसी तो बड़ा हो गया है। मैं कहला क्यों ज्यादा बड़े आ गए पानी पी ला फिर मैमा ने भी ला के ओनू भी पानी पी लिया गेट की कुंडी लाओ। शाम हो गई ते एदा दिल ही नहीं करदा कमरे अंदर आने नु वास्ते। मम्मा कर मैं सोए ना करो थाकी हो जाए। ओ कड़ा सुती है सारा दिन। हां रातियां उन्हें कहना मम्मा मेरी ना एथो लत्तां दर्द करदी है मेरी टांगा दबा दो बस टांग मम्मा मेरी टांग की मसला और मंगा गल तो पूरी कर लेन दंदे तुसी बेच अपना ही काम शुरू कर लेन दे भी जरा मेनो काम करने ओ तो पहले कर हो जे फिर आलू छिल के ही उबालना। छिल के या बाजी ने केला हुन कट के बालन छिल के ते कट के बालो कि जा तू तेज मां नु दाल आई रख दे पापा आगे कर कोई नहीं मां नु बस दाल आई रखो भी इस तरह कर दे ते इस तरह कर दे सारा दिन है ना। पापा ने कहना आज वीडियो देखियो बिस्मिल्लाह रहमान निरहीम। अभी शाम का टाइम है, अभी बनाने की चीज़ तो बच्चों की मेरे बेटे ने जो कहा वही बनाती हूँ अभी, क्योंकि अगर ना बनाया तो फिर ये खाना नहीं खाएंगे मेरे बहन भाई, तो इसलिए अभी वही बनाती हूँ। मेरा दिल था सालन बनाने के लिए तो ये आलू मैंने काट लिए हैं, अभी इसी तरह इनको उबाल लेती हूँ पहले बारीक बारीक। अभी चूल्हा ऑन कर देती हूँ और ये बर्तन धोने वाले अभी ये धोती हूँ, चाय वाले और सालन वाले दे धोती हूँ, साथ में जो चीज़ें और भी काटने वाली हैं वो काटती हूँ। इतनी देर पहले ये आलू उबाल लेती हूँ, बॉईल करके नरम करके अच्छी तरह ठंडे करती हूँ इसे को। जैसमीर और कबीर आगे गाड़ी है, ये क्यों इतनी मुश्किल से छत के ऊपर लेके गए, अब उधर से नीचे लेके आ रहे हैं। आगे गाड़ी का शीशा को कुछ हो गया ना तो फिर मेरा पता है। चौक के लाके हैं, सारियाँ अस्थियाँ टूट जानी ऊपर, जिन्ने काम है ना थोड़े को दोनों को, एक काम भी सीधा कोई नहीं दोनों भरावों को, सीधा काम कर दें सफेद कपड़े जंग लग गया होना सारा ग्रिल सारी खराब हो जानी, फिर दाग भी कोई नहीं उतरते चंगे थोड़े कोल काम सीधे। मेहमान नहीं आई हूँ लैके आओ, साइकिल बाहर नहीं कढ़नी, बार बारिश होएगी तो सारा चिक्कड़ बनिया, चिक्कड़ बनिया जेड़ा बाहर लैके गया ना साइकिल तो देख दे जायो। फिर जो बच्चे इधर बैठ के समीर है उनके पास पा रहे हैं, अपने फुट नीचे करो, सीधे होकर बैठो जरा पढ़ने के लिए, जल्दी करो, मैंने सबक होमवर्क भी चेक करना है सबक भी सुनना है, उतनी देर में कोई चीज़ खाने के लिए बनाती हूँ, जल्दी कर लो। कबीर ऊंची आवाज से गुणमुण ना करना, ऊंची आवाज से सीधा लफ्ज पढ़ो, अरबी है जी। इधर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये आलू देख चेक करती हूँ इनके नरम हुए हैं अभी या नहीं,
ये प्याज मैंने काट लिए हैं, अभी दूसरी चीज़ें काटती हूँ, साथ साथ बच्चों को सबक वगैरह भी याद करवाना है। ये चम्मच छोटा लिया मैंने, ये बोला कि नीचे भी देसी के ऊपर भी पानी गिर गया तो अभी ये आलू नरम नहीं हुए, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ। अभी फ्रिज से लेने मैंने टमाटर, ये दही, मेमा ये आपके लिए नींबू वाला पानी है, पियो इसे भी। ये तेल निकाल के बॉईल करके रखे हुए हैं और साथ में टमाटर, एक इधर से एक टमाटर और ले लेती हूँ। तो अभी ये टमाटर काटने वाले ये काटती हूँ, बाकी उतनी देर में आलू भी नरम हो जाएंगे। ग्यारह मन ने टाइम जो आलू नरम हो चुके हैं, अभी इनमें से पानी निकालना है, वो निकालती हूँ पहले। ये इधर इसी टोकरी में से निकल जाएगा पानी, यही रख देती हूँ। मगर अब की अजान हो गई, अभी नमाज भी पढ़नी है, जल्दी जल्दी ये कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है, नमक, अभी इसको मिक्स करती हूँ। ये आलू चना चाट हमारी तैयार हो गई है तकरीबन, अभी इनको मिक्स करने वाली रहती है, रखती हूँ इसे और नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद हम लोग बैठ के खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है, अभी बच्चों ने याद कर लिया है, सबक भी याद कर लिया, अभी बैठ के खाती हैं। मज़े की बनी है जी आलू चना चाट हैं? मेहमान किस तरह बैठी है, कबीर क्या हुआ है, जल्दी खाओ जल्दी। जी आलू चना चाट हमारी बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो वीडियो कैंड में इधर ही करती हूँ, यह हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।